नाचो चिप्स खाना किसे पसंद नहीं, बच्चों से लेकर बड़े तक सभी इंजॉय करते हैं। आशा स्पाइसेस आज शेयर कर रही हूँ होममेड नाचो चिप्स की रेसिपी, बिल्कुल क्रिस्पी मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इसे तो मार्केट में ये आसानी से मिल जाता है, पर घर में बनाना एक बेटर हेल्दी ऑप्शन है। बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही आसानी से ये मैक्सिकन चिप्स तैयार हो जाती है। आइए बनाते हैं। नाचोस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप मकई का आटा मेज फ्लार और 1/4 कप ऑल पर्पस प्लेन फ्लार मतलब मैदा, 1 छोटा चम्मच ऑरेगानो और 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटा चम्मच नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1/2 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। आशा स्पाइसेस हमेशा आपके लिए सिंपल, इजी, क्विक और टेस्टी रेसिपीज लेकर आते हैं। ऐसी ही रेसिपीज को देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी अपकमिंग रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डो बनकर बिल्कुल तैयार है, तो इसे हम 5 से 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और अब एक एक पार्ट्स को लेते हैं और थोड़े से मैदे के साथ इसे हम डस्ट कर लेंगे और इसका हम एक गोल रोटी तैयार कर लेंगे। मकई का आटा है तो बेलने में थोड़ा थोड़ा बीच से फट भी सकता है, तो आप इसे हाथों से एडजस्ट कर लें। लगभग 10 इंच डायमीटर के सर्कल में मैंने इसे बेल लिया है और अब एक नाइफ लेंगे और इसे 16 ट्राइंगल पीसेस में काट लेंगे। और अब एक फोक की हेल्प से इसमें हम प्रिक कर देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम इसे डीप फ्राई करें तो ये फूले ना। तो अब ये तैयार है, तो इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में रिफाइन ऑयल ले लिया है और इसे हम अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर और एक एक करके सारे चिप्स को इसमें डाल देते हैं। इसे हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर का हो। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। ये अब बिल्कुल तैयार है, तो इसे हम कढ़ाई में से बाहर निकाल लेते हैं और टिश्यू पेपर पर रख लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल अब्जॉर्ब हो जाए और बाकी के सारे बैचेस जो चिप्स के हैं उसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और बनकर बिल्कुल तैयार, इसे हम सर्व कर लेते हैं आपकी मनपसंद चिप के साथ। मैं यहाँ पर सिजवान सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ, आप मेयोनीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। पूरी फैमिली इसे एक साथ बैठकर एंजॉय कर सकती है। आप इस चिप्स को 10 दिन एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है होममेड नाचो चिप्स की ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मुझे कमेंट में बताना ना भूलें आपको कैसे लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।